टोकोआइसोमरेज, टोकोआइसोमरेज क्या करता है, टोकोआइसोमरेज क्या होता है कि जब यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन के अहेड यहां पर क्या है, कुछ सुपर कॉइलिंग हो जाती है। जैसे अगर अपन किसी थ्रेड को डबल स्टैंडर्ड जो है उसको इस तरीके से एक तरफ से दबाने की कोशिश करें तो इकट्ठा हो जाता है, उसको कहते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस होना। क्योंकि यहां पर खुलता जा रहा लगातार, यहां पर कुछ है नहीं, तो यहां पर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग उलझन जैसी पैदा हो रही है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। इसको रिलीज करने का जो काम करता है टोकोआइसोमरेज करता है। टोकोआइसोमरेज क्या करता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि क्या करेगा, ये डीएनए के स्ट्रैंड पर कट लगा देगा। कट लगाने से वो जो डबल स्ट्रैंड जो ऐसे उलझन हो रही थी वो खुल जाएंगे, खुल के वापस से सुलझ के वापस जुड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, टोकोआइसोमरेज ने क्या किया, डबल स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड कट लगाता है ये, और इस नेगेटिव पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीज कर देता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करके। तो ये टोकोआइसोमरेज का काम हुआ। टोकोआइसोमरेज जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो टोकोआइसोमरेज वन हो सकता है या टू भी हो सकता है, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर, यानी कि प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट्स हो, ये दोनों तरह के हो सकते हैं इनके अंदर, ठीक है। यूकैरियोटिक टोकोआइसोमरेज और प्रोकैरियोटिक टोकोआइसोमरेज। प्रोकैरियोट में टोकोआइसोमरेज टू को क्या कहा जाता है, डीएनए गायरेज, ठीक है। अब डीएनए गायरेज के कुछ इनहिबिटर होते हैं, कुछ ड्रग्स होती है जो इस डीएनए गायरेज को इनहिबिट करके इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है, रेप्लिकेशन को रोक के, इससे बैक्टीरिया अपना नंबर नहीं बढ़ा पाता। तो वो ड्रग्स कौन कौन सी है, एक तो ये CSIR में बने हुए क्वेश्चन है दो बार, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो डीएनए गायरेज को इनहिबिट करती हैं, जो टोकोआइसोमरेज 2 है प्रोकैरियोट्स का, उनके नाम है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, नॉरफ्लॉक्सेसिन, कैम्प्रोथीसिन और नेलिडेक्सिक एसिड। ये चार तरह की ड्रग्स हैं, इंपॉर्टेंट है, ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट करती है। और जो यूकैरियोट्स के डीएनए गायरेज, जो यूकैरियोट्स की टोकोआइसोमरेज को इनहिबिट करता है, उसको हम एज अ एंटी कैंसर ड्रग यूज कर सकते हैं। क्योंकि अब अगर इसको इनहिबिट कर दिया, इनके जो इनहिबिटर हैं उनको एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये इनहिबिटर यूज किया तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग रिलीज नहीं होगी, और अगर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग रिलीज नहीं हुई तो ऐसे ही सेल्स का एपोप्टोसिस करवा दिया जाएगा, एपोप्टोसिस होगा तो कैंसर नहीं होगा, यानी अनकंट्रोल्ड डिवीजन नहीं होगा। तो इसको एंटी कैंसर ड्रग की तरह हम यूज कर सकते हैं, जो यूकैरियोट्स के टोकोआइसोमरेज के इनहिबिटर होते हैं। ये हमने कुछ एंजाइम देखे, एक और एंजाइम होता है, एक और प्रोटीन होता है जो इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, उसका नाम है हेलिकेज, सॉरी लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, लाइगेज का काम ये होता है कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है दो स्ट्रैंड्स के बीच में, इस तरह की कोई कंडीशन हो, यानी कि ये अल्फा फॉस्फेट है और ये 3' OH है। ऐसी कंडीशन तब आती है जब प्राइमर रिमूवल होता है, जब डिसकंटिन्यूअस लैगिंग स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ रही होती है, तो प्राइमर का रिमूवल होता है और डीएनए का सिंथेसिस तो पूरा कर दिया जाता है, लेकिन लास्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना सकता डीएनए पॉलीमरेज। इस लास्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाने का काम के लिए लाइगेज को आना ही पड़ेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकता। इसके अंदर ये क्या करेगा, ये क्यों नहीं बना सकता है, ये इसलिए नहीं बना सकता है कि क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है इसके ऊपर, लेकिन अटैक करने के लिए इसको 3 फॉस्फेट चाहिए होते हैं, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर सिर्फ अल्फा है, बीटा गामा नहीं है। दूसरा एंजाइम दूसरे तरह की एक्टिविटी करनी पड़ेगी तब ये बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन नहीं करना, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन तो पॉलीमरेज ही करता है, लाइगेज तो क्या सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा इस तरह की कंडीशन में। अब क्या होगा कि लाइगेज
एनर्जी सोर्स किसको दे रहा है, इसके आधार पर लाइगेंस दो तरह के हो सकते, या तो वो एनएडी से ले सकता है एनर्जी, या फिर वो एटीपी से ले सकता है। अगर प्रोकैरियोट्स हैं तो एनएडी से एनर्जी लेगा, और यूकैरियोट्स हैं तो एटीपी से एनर्जी लेगा। एंजाइम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के होते हैं, यहां पर इसकी एक्टिव साइट होती है एंजाइम, मान लो ये लाइगेज है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये क्या करेगा अपनी एक्टिव साइट के ऊपर इसको चाहिए एडीपी, एडीपी इसको एटीपी से भी मिल सकता है, और न्यूक्लियोटाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से भी मिल सकता है। कैसे? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर यहाँ कोई भी न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ पर शुगर होगा, यहाँ पर फॉस्फेट होगा, यहाँ पर फिर से फॉस्फेट होगा, यहाँ पर शुगर होगा, और यहाँ पर एडिनिन, एडिनिन का मतलब डबल रिंग वाला इस तरीके से कुछ होगा, एडिनिन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनएडी। यहां से भी इसको एएमपी मिल सकता है, एएमपी चाहे यहां से मिले चाहे वहां से मिले, इसको एएम यहां पर एडीपी चाहिए, सॉरी एडीपी मिल सकता है, ये राइट, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहां पर एडीपी लेके आएगा और इस एडीपी को यहां पर अटैच करवाएगा। कैसे? यहां फॉस्फेट तो था ही, एक फॉस्फेट ये ना डाई, डाई के अंदर दो फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट ये एक और आ गया, एक और आ गया फॉस्फेट, यहाँ पे एडीनिन आ गया। अब देखो इसको अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, गामा भी मिल गया। अब ये इस पर अटैक कर सकता है अल्फा बीटा के बीच में, तो इसके ऊपर अटैच करेगा, अटैक करेगा और फॉस्फोराइज पर बॉन्ड बन जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, और एंजाइम को जो चाहिए था, जो एंजाइम ने दिया था वो वापस मिल गया। एंजाइम रिएक्शन के अंदर अनचेंज रहता है, ये वापस अपना एंजाइम पर एज इट इज आ जाएगा, दोबारा काम कर सकता है। तो ये फॉस्फोराइज पर बॉन्ड बनाने का काम कितना किया, लाइगेज ने। तो लाइगेज का काम ये होता है कि एंड वाला जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, जिसको पॉलीमरेज नहीं बना पा रहा है, उसको बनाने का काम लाइगेज करता है। तो ये हमने कुछ एंजाइम देखे जो रेप्लिकेशन में काम आते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट एंजाइम के बारे में देख रहे हैं डिटेल में, जो रेप्लिकेशन में काम आता है, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करता है रेप्लिकेशन के दौरान, ये प्रोकैरियोट्स में कैसे काम कैसा होता है और यूकैरियोट्स में कैसा होता है। तो प्रोकैरियोट्स में तो ये डीएनए पॉल, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4, 5 पांच तरह का होता है। यूकैरियोट्स में कई तरह का होता है, लेकिन मेनली पांच तरह का बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज हो। इनमें से 1 और 3 ये तो रेप्लिकेशन में काम आते हैं, ठीक है। यहां पर ये तीनों न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन में काम आते हैं, ये भी न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन में काम आते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनेल डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है, यानी क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। और एक तो रह गया बीटा और एक रह गया सेकेंड, इनकी बात अभी करता हूं। ये बी बेस एक्सेशन रिपेयर में काम आता है, ये भी बेस एक्सेशन रिपेयर में काम आता है। कैसे काम आता है रिपेयर पड़ेंगे तो बताऊंगा। 4 और 5 ये जो एंजाइम है इनको हम कहते हैं एरर प्रोन,